वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे श्रोतियों नूं मेरे सतंत्र कौर वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी कुदरती नूर जीवनी श्री गुरु अंगद देव जी किताब का तीजा भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 58। बैठ खडूरे जोत जगाई। गुरु नानक देव जी ने देख ही लिया सी कि कितना कु बखेड़ा पुत्रां बिरादरी अते ईरखालुआं ने गुरु अंगद देव जी नूं गुरगद्दी दी जिम्मेवारी सौंपण वेले पाया। गुरु नानक देव जी दे ज्योति जोत समाउण वेले भी उन्हां लोकां दा ख्याल सी कि गुरु अंगद देव जी करतारपुर ही टिक जाणगे, पर उन्हां नूं गुरु पातशाह दे हुकम याद सन कि पुरखा पार ब्रह्म का पंथ करना है, नाम जपाउणा। जद गुरु अंगद देव जी ने देख लिया कि उन्हां दे उत्थे टिकण नाल झगड़ा होर वधना है, तां पार ब्रह्म पंथ साजन लई खडूर विखे आ गए। साडे साखीकारां भी लिखिया है, पिखियो जब बड़त फसंद पाए हुकम गुरकेर आए खडूर थिराए। गुरगद्दी किसे जायदाद जमीन जां माल नूं मल मारन दा नां नहीं है, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਵਿਖੇ ਚਾਨਣ ਖਲੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। जद गुरु नानक देव जी माई विराई दे पिंड संगर पहली उदासी वेले आए सन, ता माई ने बेनती कीती सी कि उस दे ग्रह विखे चरण पाओ, ता आप जी ने कहा सी कि समा पा के बहुत देर टिकांगे। हुण गुरु अंगद देव जी माई विराई दे घर ही आए अते एह कह दिता कि गल बाहर नहीं करनी। माई विराई ने हुक्म मन किसे होर नूं ना दस्या, समय सिर प्रसाद पहुंचा देंदी। गुरु जी नाम रस लीन रहिंदे, इत्थों तक कि जद पुत्तर अते पत्नी खीवी जी भी आए तां माई विराई ने भल ना भुलाई। माई विराई हुक्मी बंदा सी, उंज माई विच वेदना उठे कि ऐसा क्यों कर रहे हन गुरु अंगद, पर पुछ ना सके। इतना होर लिखना भी ठीक रहेगा कि माई जी दी शख्सियत भी नाम नाल सवारी हुई सी। जो मत गुरु नानक देव जी ने माई नूं दित्ती सी कि जग विच वसो वैराग विच रसो, जाणो ज्ञान नाल, जुड़ो प्रेम नाल अते रहो सदा खेड़े मत्थे मिठे उमा विच, ओहो उस नूं कदे नहीं सी भुलदा। हर एक नूं माई एह ही कहिंदी सी कि कदे बाणी ना विसरे, नाम ना भुले, प्यास रहे सदा चरणा दी अते रजा लगी रहे मिठी, तां कदी विछोड़ा नहीं होण लगा। एह सब भजन बंदगी ज्ञान ध्यान ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਛਾਏ। ਐਸਾ ਇਕਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਡੋਰਾ ਜਾਂ ਦੋਹੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਡੂਰ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਭ ਰਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਸਾਂ। ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਦਬਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
कि पांच सिख भाई अजीता रंधावा, भाई धीरो जी, भाई बुढ़ा कलाल, भाई भगीरथ आनंद अते भाई सधारण पालन लई निकले सन अते एह सब रामदास बाबा बुढ़ा जी पास पुजे। बाबा जी उसे समय ही उन्हां नाल हो टुरे। बाबा जी यह समझदे सन कि माता विराई जी ही ठीक दस पा सकेगी, सो सारे संगर पुजे। माई नूं जद पता लगा कि बाबा बुढ़ा जी पांच सिखां दे नाल उसदे घर वल तुरी आ रहे हन तां बचना ते पहरा देण दी अगों जा मिली। बाबा बुढ़ा जी जाण गए कि जोत इत्थे ही टिकी है। माई दे चेहरे दा हाव भाव प्या दसदा सी, रतन भी कदे लुकोया लुके ने। बाबा बुढ़ा जी ने माई विराई जी नूं अगों आउंदिआं इह तुक ही पड़ी, नानक देख दिखाई है हौ सद बलहारे जास। माई चुप रही। हुण सारिआं ने जोदड़ी कीती कि पता दस दिओ किथे विराज रहे हन गुरु अंगद देव जी। माई ने हुण इतना कहा कि गुरु जी आपे जाणदे हन कि किस वेले संगतां विच विचरना है। इह हट कोई चंगा नहीं, रजा विच रहण दा होर भी स्वाद है। बाबा जी ने कहा कि पुकार पाउणी कोई रजा मेटनी नहीं, बाल ने पिता नूं पुकार पाउणी ही है। महिमा प्रकाश वार्तक विच लिखिया है कि बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि सानू मालूम होया है कि गुरु तेरे घर मैं ही है, तैनू दसण दी आग्या नहीं, इह असी जाण गए हाँ, बलवंड रवाबी साढ़े नाल है। गुरु नानक देव जी इस दी बाँह गुरु अंगद देव जी नूं फड़ा गए सन। माता विराई दे घर पुज बलवंड नूं बाबा बुढ़ा जी ने कहा रबाब वजाए शब्द गाओ, आपे गुरु नानक दी आवाज सुन बाहर आ जाणगे। ऐसा ही होया, रवाबी ने जद शब्द गाया गुरु अंगद देव जी बाहर आए, मूहों वाह वाह दे वचन कीते, सब नूं देख मुस्कुराए कि भली व्यौंत बाबा बुढ़ा जी ने कढ़ी। असल गल प्रगट कर दित्ती कि गुरु नूं पाउणा होवे, रिझाणा होवे, मिलना होवे अते चरण परसने होण तां राह इक्को कीर्तन है, कीर्तन सुन उह गुरु प्रतख हो उठदा है। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की कि आप जी का इस तरह गोशा नशी हो बैठना संगतां नूं व्याकुल कर रहा है, बगैर मांझी दे संगत का जहाज किनारे किस तरह पवेगा, अते फिर गुरु नानक जी का तो आप जी नूं बचन है जगत को उपदेश करना, कृपा करके बाहर चलिए। गुरु जी विचारां पए करदे सन कि माई विराई ने उत्थे ही प्राण त्याग दिते। सारे हैरान होए कि माई ने किस सहज अवस्था विच विचरदे प्राण त्यागे। संस्कार माई दा करके जद घर मुड़े तां विचारां होण लगियां कि इत्थे टिकाणा कीता जाए जां किधरे होर। बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि संगर दे लागे ही खडूर पास एक एकांत थां उच्चे टिब्बे हन, उत्थे ही टिकाणा ठीक रहेगा। गुरु महाराज ने जद थां देखी तां पसंद आई अते कुछ दिनां विच ही उत्थे धर्मशाल उसर गई, लंगर खाना बन गया अते रबाबी कीर्तन करन लगे। संगतां नूं भी पता लग गया अते उह वहीरां घत खडूर आउण लगियां। तख्त ते बैठण समय पहला उपदेश जो बचन रूप विच कहा उस नूं महिमा प्रकाश ने अंकित करदे होए लिखिया है, गुरां फरमाया सी करो भजन होए परम विसाला, अते एक खूह मिठा माई विराई दी याद विच लवाया। गुरु अंगद देव जी दी चाल चली नहीं सी जांदी, दिनां विच संगतां दा इतना इकट्ठ होण लगा कि हर समय लंगर चलदे। बंसावाली नामा वाले लिखिया है माया बहुत ही चढ़न लगी लंगर नित चलण। गुरु अंगद देव जी दा टिकिया सुभा हर एक ते छाप पाउंदा सी, इंज प्रतीत हुंदा सी कि किसे अगमी समाधि विच लीन हन। गुरु अंगद जी अंतर ध्यान बहुत करन रहण विच समाध, गुरु नानक जी सुरत हिरदे धरन। जे कदे परिवार भी पास आए तां थोड़े चिर बाद उठा देण। सब तों निराली गल इह सी कि हुक्म दे रख्या सी कि उन्हां पास कोई किसे समय भी माया दी गल ना करे, माया दा विहार धर्मशाला विच ना होवे, सतनाम ही जपांदे बिरती एक समान रहिंदी, किसे दा हिया नहीं सी पैंदा कि उन्हां सामने माया दा जिक्र करे। सूरज प्रकाश दे शब्दां विच आपन ढिग माया व्यवहार, जिक्र ना होण देह किस वार, सिखियन ते सतनाम जपावे ते इक रस बिरती समान जिन केरी, राग ना दवैश नह बैरी, सदा आनंद प्रेम रस पागे,
श्री नानक जस सो नित लागे। चाल इतनी सी कि जो भी उत्थे आवदा उस नू चित दा टिकाओ मिलदा, प्रेम दा धन प्राप्त हुंदा, भरम भेद दुख मंद करम अते जन्म मरन दा गेड़ मुकदा, हर एक नू पवित्रता मिलदी, बुद्धि निर्मल हुंदी, डर दूर हुंदे, मूर्खता भाई दी। उन्हां दी शख्सियत इतनी पावन सी कि चरना वाल देखिया चढ़े चन्न दा भुलेखा पैंदा सी। महिमा प्रकाश वार्तक अते कविता दोवां ने बड़े विस्थार नाल गुरु अंगद देव जी दा खडूर विखे नित दा करम दिता है। गुरु जी पहर रात रहिंदी उठदे इशनान करदे, इशनान करन उपरंत साहिब सहज समाध लीन हो जांदे। कोई फुरना संकल्प विकल्प पाप पुन दा उस समय ना उठदा, आप अपने टिकाने तो पहु फुटन वेले उठदे अते धर्मशाल वल चल पैंदे। उस समय जिस पर भी दृष्ट पैंदी उस दा दुख दर्द दलिद्र रोग संताप दूर हो जांदा। धर्मशाल विच गुरु जी आ विराजदे, रबाबी बलवंड शब्द दी चौंकी करदा, सब बैठ कीर्तन सुनदे। कीर्तन दे भोग पिछों ही आप जी सिंघासन ते बैठदे सन। सिख टहलीए अते होर संगतां दर्शन करदियां, उत्थे गुरु नानक पातशाह दे जीवन दीयां साखियां हुंदियां, कथा हुंदी, चर्चा भी हुंदी, होर कोई संसारी बात उत्थे ना हुंदी। गुरु बाबे जी की चर्चा करे, अत प्रेम सार लीला बिस्थरे, काल चर्चा तहां होन ना पावे, बिन आग्या को तहां ना आवे। पहर दिन हो आउंदा, उधरों लंगर तैयारी दी आवाज पैंदी, बाबा बुढ़ा जी अरदास करदे, साहेब लंगर विच जांदे, लंगर विच सारियां नू नाल लैके जांदे। कोई वर्ण भेद ऊच नीच दा ख्याल ना हुंदा, चार वर्णा दा इको जिहा सतिकार हुंदा। बर्तन मिट्टी दे सन, जिस दे मन विच वर्ण जां ऊच नीच हुंदी ओह उत्थे ना जांदा। चार वर्ण ऊहा समसरे, माटी के बर्तन भोजन करे, बिद निखेद जाके मन होई, ऐसो तहां ना जावे कोई। लंगर छकन तो बाद जो कुछ होता सो पशु पंखी जो होते सबको प्रसाद मिलता, फिर बर्तन उल्टे कर छोड़ते, पानी तक न रहता बर्तनों में। फिर साहेब कुछ चिर आराम कर दे, चार घड़ी के बाद सोए कर उठते, किरत विच जुट जांदे, सवेरे अते शाम दोवें वेले वाण वट दे। कमाल एह सी कि वाण वट करन गुजरान, किरत धान न खान, आप प्रसाद मेहनत दा खावन। इंज प्रतीत हुंदा है कि वाण वट के जो कमाई हुंदी उस नू लंगर विच ही पा देंदे। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे हन कि आप जी ने अपने लड़कियां नू भी हुक्म दे रखिया सी कि अपनी गुजारा दुकानदारी जां काश्तकारी से हासिल करो। यह पूजा का माल जहरे कातल है, चुनाची बेटे भी उन्हीं के अरशाद मुताबिक अमल करते थे। वाण वटदे ही खडूर दे बालकां नू बुला लेंदे, उन्हां नू आप पढ़ाउंदे सिख्या देंदे, बाल बोध दे कायदे लिख के देंदे, फिर उन्हां नाल ही खेड़दे। उस समय कोई होर नेड़े नहीं सी आ सकदा। डॉक्टर लाइटनर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिजीनस एजुकेशन इन पंजाब विच लिखा है कि गुरु अंगद देव जी ने प्रोफेसर हक्सले वांग बच्चों लिए बाल बोध दे कायदे लिखे अते अजिहा करना कोई शान तो नीवा जां हीना कर्म ना जाणिया। नाल ही उन वर्णमाला अनुसार सिख्यादायक किते भी लिखे, जिमें ददा दोस न देऊ किसे दोस करम्मा अपणिया। तीजे पहर उत्थे अखाड़ा बना के पहलवाना दियां कुश्तियां करवाउंदे देखदे, खिडारियां वाली रुचि संगतां विच भरदे, हार जित नूं इको जिहा जानण दा उपदेश दिंदे। पहलवान बुलाए अखार परे, फिर शाम नूं बलवंड रबाबी दी चौंकी हुंदी शब्द की, फिर कथा वार्ता हुंदी, फिर जद पहर बतीत होती तब गुरु सेज पर सैन करते। एक नित कर्म दसदा है कि किस मेहनत नाल गुरु जी गुरु नानक देव जी दे लगाए बूटे नू पानी दे रहे सन।
उन्हां सब भरम जालां विच्चों जो सदियां तो लोकां ने पाए हुए सन तोड़ रहे सन। मिट्टी दे बर्तना विच प्रसाद, फिर लंगर विच हर किस्म दा प्रसाद बनाउणा अते हर वर्ण नूं इकट्ठियां बिठाउणा इक निक्का जिहा करम नहीं सी। इस छूत छात रंग भेद ने तां मनुखता दीआं वड्डीआं पा दित्तीआं सन। गुरु जड़ां तों ही उखाड़ सुट रहे सन। पहलवानां दीआं कुश्तियां कराउणियां देखण नूं निक्का जिहा करम है, पर जो शरीरां नूं पहाड़ां ते गालण करवत हेठां दे के मारन अते घर बाहर छड्डण ते ही जोर देंदे सन, उहनां नूं जवाब सी कि शरीर रिष्ट पुष्ट होने चाहीदे हन। बच्चिआं नूं आपूं पढ़ाउणा अते उस समें किसे नूं नेड़े ना आवण देणा इह दसदा सी कि गुरु जी नूं पनीरी दा कितना ख्याल सी। बच्चे कौम दी रीढ़ दी हड्डी हन, बालकां नाल परचे होए सन अते हमायू आया सी अते परवाह नहीं सी कीती। इह वी उहनां दी साधां अते सन्यासियां ते इक चोट सी जो बच्चिआं नूं अपणिआं डेरिआं तों आउण तों वरजदे सन। अपने हत्थी वाण वटन दी सख्त मेहनत करके प्रसाद पाउणा वी दर्शाउंदा है कि गुरु घर किरत दी ही उचितता है। लंगर विखे रात नूं घड़िआं तक पाणी ना रहन देना धर्मशाल दी झाक मकाउणा ही सी। शब्द सुनन ते जोर देना इह दसदा सी कि धर्मशाला बना दित्ती गई है आप जी दा उचारिया अते हुण सरंग राग दी वार विच दर्ज। कथा कहानी बेदी आणी पाप पुन विचार वाला श्लोक शब्द दी महिमा प्रगटाउण लई ही सी। आप जी ने स्पष्ट कर दिता सी कि जो तलीम वेदा ने जगत नूं दित्ती है उस विच इस विचार ते जोर है कि पाप अते पुन की है, जां इह ही प्रगटाया गया है कि कर्म बड़े बलवान हन दे के मुड़ मिल जांदा है। जो कुछ किसी कोलों लेंदे हाँ वह अगले जन्म मोड़ देईदा है। यह लैण देन दे कर्मा अनुसार नरक सुरग विच जाईदा है। होया यह कि इस तलीम दे सदका उच्चियां नीवियां जातां दे भेद पै गए, लोकी वहमी हो गए, भरमां विच भटकण लग पए, खुआर होए, प्रभु दा राह ही भुल गए। कथा कहानी बेदी आणी पाप पुन विचार दे दे लैणा लै लै देना नरक सुरग अवतार। उत्तम मध्यम जाति जिनसी भरम भवे संसार, पर जो बाणी गुरु ने आंदी है सानू दिती है वह अमृत भरपूर है। इस विच निरोल प्रभु दे गुण हन। इस बाणी नू पढ़िया सुनिया सुरत उची हुंदी है अते भेद भरम वितकरे विथा मिट जांदियां हन। यह बाणी दसदी है कि सारे उसदे साझे हन। उसदे हुक्म विच टुरन दी जांच यह बाणी सानू सिखाउंदी है। हुक्म विच टुरन दा भाव यह ही है कि विचों ह्यूमे जाए, ह्यूमे जो कर्मा करके उपजदी है, ह्यूमे जो जात दी है, ह्यूमे जो वंश दी है। यह ह्यूमे जद दूर हुंदी है तां प्रभु दी हजूरी प्राप्त हो जांदी है। कर्म कांडां ने लोकां नूं उच्चियां नीवियां जातां दे भरमां विच खुआर कीता होया है। गुरु दर ते आ के शब्द गायन करन नाल ह्यूमे दूर हो जांदी है अते इह सोझी मिलदी है कि सारे जीव परमात्मा ने आप पैदा किए हुए हैं। अमृत बाणी तत्त विखाणी ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरत कर्म त्याई। हुक्म साज हुक्मै विच रखे, हुक्मै अंदर वेखे, नानक अगे हुक्मै टुटे ता को लिखिया लेखे। बस ओहो ही असल मनुख है, ओहो ही रब रूप है, जिस अंदर प्रभु दे मिलन दी तांग है। एह तांग होवेगी ता प्रभु भी मिल जाएगा, जो उस इच्छा सो फल पाए ता नानक कही है मूरत। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं कि रौनक भई खडूर में दिन दिन बे तदाद, जो भी सुनदा दर्शना लई पुजदा। हर कोई गुरु अंगद देव जी नूं भी आरफ कामल वली कहिंदा। गुरु नानक देव जी दा रूप करके ही सब नमस्कारां करदे, दूर दूर तक शोभा फैल गई। आप जी दे बचना नूं सुनन लई लोकी तरसदे रहिंदे। बचना तों जाना वारण वाले पैदा ही हो रहे सन, जो टुचरां करदे अते बहाने लभदे उहनां दी गुरु घर कोई थां नहीं सी। खडूर साहिब इक ऐसा सज्जन आवस्या जो करे करावे तां कुछ ना
पर हर एक नूं आखे कि असी तां गुरु दे बचना ते विके हाँ, जो गुरु कहणगे उहो ही कमावांगे। बाबा बुढ़ा जी ने भी उन्हां नूं समझाया कि जो भी इत्थे टिकना चाहुंदा है उसका पहला फर्ज है भजन अते टहल करे। बाबा बुढ़ा जी नूं भी उस यही ही कह दिता कि जो सतगुर निज मुख कहे सो मैं करो सुजान। गुरु अंगद देव जी तक सिख दियां हुजतां पुज रही सन। गुरु जी ने संगत विच शलोक भी उचार सुनाया कि ओहो सेवक कादा है जो सलाम नाल जवाब भी दे जांदा है। निरियां अते फोकियां गल्लां करन वाला खसम दे स्वाद नूं पा ही नहीं सकदा। जो भी कोई ह्यूमे दे शब्द बोलदा है ओहो गुरु घर माण नहीं पा सकदा। ह्यूमे तज के ही जिन्हां ने सेवा कीती है उन्हां नूं ही माण मिलिया है। चंगा चोखा मिले तां उस वेले जे कोई चंगा आखे अते कदी कदी भीड़ा आ जाए तां मंदा बोलन लग पवे ओहो होर तां सब कुछ हो सकता है पर आशिक नहीं प्यारा नहीं। चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए आशिक एह ना आखिए जी लेखे वरते सोए। उस नूं फिर भी समझ ना आई अते एह ही आखे कि गुरु जी एक वारी हुक्म करके ता देखण। साडे जीवां लई पूरने पौण है तुब सहज रंग सतगुर कहो ताह तुम अगण जलो एह सेवा आह। इतने नूं की होया कि एक धाड़वी जिसने गुरु घर की शोभा सुनी हुई सी उधरों लंघिया जल्दी चिखा ते फिर एक आदमी नूं पास खड़े अते कामदे देख के पुछ बैठा कि उस नूं की कष्ट है। उस दस्या कि ओह गुरु का सेवक कहलाउंदा है अते गुरु ने हुक्म दिता है कि अग्नि विच सड़ मरो। हुण अग्नि देख के जलिया नहीं जांदा। उस धाड़वी ने मन विच विचारिया कि मैं सारी उम्र पाप ही कमाउंदा रहा अते जे एह गुरु का बचन मैनू मुल दे देवे अते सारा माल जो मेरे पास है लै लवे तां इस तों सस्ता सौदा होर है कि। उसने गल्लां कनेरियां करन वाले सेवक नूं चोरी दा माल दे के बचन मुल लै के चिखा ते छाल मार दित्ती। इतने नूं गुरु जी दे भेजे सिख गुरु जी दा हुक्म दस के नाल लै गए उस नूं धन माल मिलिया। दूजे पासे जद ओह गालड़ी माल चोरी दा लै जा के घर पुजा तां कोतवाल ने पकड़ मंगवाया माल सारा जब्त कर लिया अते फाहे लगा दिता। सब पासे एह गल पसर गई गुर बचनन प्रतीत जह ताको पदवी ऊच जो तज है बचन गुर लोभ करे सो नरक घोर दुख मूच। जो गुरु अंगद देव जी ने पुत्रां नूं एह हुक्म दे के रख्या सी कि धर्मशाला वाल नहीं झाकना तां माता खीवी जी नूं आग्या सी कि सेवा दिल लगा के करनी। इतिहास दी गवाही है कि गुरु अंगद देव जी ने खीवी जी प्रति एह वचन कहे सन जदों मेरे दाते दतार ने शब्द दौलत वंडन दी आग्या मैनू कीती सी तां तेरे हिस्से अन्न देख दा कड़शा आया सी वरता। माता जी भी पहर रात रेंदे उठदे घर दे काम काज तों वेले हो के लंगर दी संभाल विच लग जांदे। उन्हां दी सेवा अते मिठे सुभाव कारण कई सिखी वल प्रेरे गए। भाई जोध एक उदाहरण है जो लंगर दी सेवा करदे सन। माता जी दी निगरानी हेठ हर कोई रज रज भोजन खांदा सी। फकीर अते गरीब दवाई देके जांदे सन। बलवंड जी ने एक पूरी पौड़ी ही माता खीवी जी दे सुभा अते सेवा बारे लिखी है। ओह लिखदे हन माता खीवी जी अपने पति गुरु अंगद देव जी वांग बहुत ही भले सन। माता जी ठंडे सुभा दे हन इतने ठंडे जितनी घने ब्रिश दी छां हुंदी है। उन्हां पास बैठिया ही हिरदे विच शांति अते ठंड पैंदी है। जिवें गुरु अंगद देव जी सतसंग रूपी लंगर विच नाम दी दौलत वंड रहे हन आत्मिक जीवन देण वाला नाम रस वंड रहे हैं तिवें माता जी लंगर विच खुले हथी प्रसाद वंड रहे हैं। घ्यो वाली खीर सब नूं मिल रही है। जो माता जी दे नेड़े आउंदे हन उन्हां गुरसिखां दे मत्थे खिड़ जांदे हन। ईरखालुआं अते बेमुखां दे मूँह पीले पै गए हन।
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਜ਼ਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ ਲੰਗਰ ਦਿਓਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁੱਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੌੜਦੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਜ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਉਜਿਆਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਚੁੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੋਇਪਾ ਸਹਿਜਿਆਨੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਹਾਰੀਪਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਚਰਪਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਛਿੰਦਰ ਉਸੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਛਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਿੱਖਿਆ ਭਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਚੱਲੇ, ਹੋਵੇ ਸੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਅਮੁੱਲ। ਮਛਿੰਦਰ ਗੋਰਖ ਭਗਥਰੀ ਚਰਪਟ ਈਸ਼ਰਨਾਥ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਪਾਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰਮ ਸਭ ਭਗਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਰੀਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁੱਠਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਨ ਜਗਤ ਨਹੀਂ। ਭਤੀਜ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਮਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋਗੀ ਜੋ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਏ, ਕਿਸ ਲਈ ਨੱਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਉੱਠੀ। ਜਿੱਥੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਗਨ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਾਕਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਾਓ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਦੁੱਖ ਬਿਸਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਈ ਜੀਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਮਝਾ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ ਤਉ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਨਿਧ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਜ ਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੰਸੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਦੜੀ ਡੰਡਾ ਸਵਾਹ ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਭੇਖ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਗਤ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੇਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਕੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਦਰ ਦਰ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਗੈਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਅਰੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜੋ ਭਜਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੋ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਆ ਸੋਹੇ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਨਾਥ ਇਹ ਆਤਮ ਯੋਗ, ਪਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਏ ਵਿਯੋਗ, ਬਹਿਦ ਸਹਿਜ ਜੋ ਸੰਤਨ ਮਤਮੂਲ, ਯਾਸੋ ਸੰਸਾ ਭੇਦ ਨਾ ਭੂਲ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਰ ਉਦ ਦੀਨ ਹਮਾਯੂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 7 ਮਾਰਚ 1508 ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਵਿਖੇ ਮਾਹਮ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਯੂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ 26 ਦਸੰਬਰ 1530 ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਅਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿਮਾਯੂ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ, ਆਪੂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 7 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
इसे लिए लेनपूर ने बहुत सोहना लिखा कि ना तो उसका खुशकिस्मत हिमायू सी पर उस जिन्ना कोई बदकिस्मत नहीं होया सारी जिंदगी ही धक्के खाता रहा इतों तक कि उसकी मौत भी लाइब्रेरी दिया पौड़ियों तो पैर खिसकन कर हुई। राज दे पहले 5 साल भरावां नूं मनाउण अते समझाउण ते लगे। कुछ साल गुजरात के नित नवे बखेड़िया ने खा ले अते पिछों शेर शाह ने पहला 26 जून 1548 नूं चौसा किनारे हार दे के फिर कनौज विखे 17 मई 1540 नूं हरा के तख्त ते कब्जा कर लिया। हिमायू भाई दा नाटदा पंजाब वल आया अते एक चिट्ठी शेर शाह नूं लिखी कि मैनूं पंजाब विच तां आराम नाल रहण दे पर उस उत्तर दिता कि तेरे लिए काबल तो छड़िया है। दर दर दिया ठोकरा हिमायू सिंध के इलाके विखे खांदा रहा। उसका अपना घोड़ा भी भुख प्यास खुणों दम तोड़ गया। उसकी मां ने अपना घोड़ा दिता ता किधरे ओह अमरकोट पुज सकया। अमरकोट विखे ही सुल्तान हमीदा बानो बेगम की कुखों 15 अक्तूबर 1542 नूं अकबर का जन्म होया। July 1544 नूं हिमायू ईरान पुजा अते शिया बादशाह तमसप ने उसकी हर पक्षों इमदाद की। शेर शाह भी 5 साल राज कमा के 24 मई 1545 नूं चढ़ाई कर गया। उस पिछों 4 होर सूर खानदान दे बादशाह बने पर ओह हिंदुस्तान नूं पक्की हुकूमत ना दे सके। भरावां नूं लिताड़ के January 1555 नूं हिमायू ने पंजाब ते धावा कीता अते पंजाब ते कब्जा करके सरहिंद दे मैदान उपर 22 जून 1555 नूं सिकंदर शाह नूं हरा के हिंदुस्तान दा फिर बादशाह बन गया। पर बद नसीब नूं केवल 7 महीने ही तख्त ते बैठना नसीब होया। 21 जनवरी 1556 नूं लाइब्रेरी दियां पौड़ियां ते अजा दी आवाज़ सुन के सिजदे विच होण वेले ऐसा डिग्गा कि मौत हो गई। जद ओह आगरे तों नठ 1540 दी जुलाई नूं लाहौर जा रहा सी तां उस नूं अहलकारां दस्या कि हुण गुरु नानक देव दी गद्दी ते आमिल फकीर गुरु अंगद देव जी हन जो ब्यास दे किनारे वड्डी सड़क लागे खडूर साहिब डेरा रखदे हन। ढेंदे मन नूं सहारा मिल जाए मिले मकसूद चलो इह शायद विचार के लश्कर नूं छड कुछ ही साथियां नाल खडूर साहिब पुज्जा। शाम दा वेला सी गुरु अंगद देव जी बच्चियां नाल परचे होए सन। आपने हुक्म दे रखिया सी कि बच्चियां नाल हुंदे समय किसी नूं मिलन दी आग्या नहीं है। हिमायू भावें भाज खा के आ रहा सी पर राज दा मद अजे भी है सी। ओह भुल गया कि किसी दरवेश दे दरवाजे ते खड़ा है। महिमा प्रकाश ने लिखा है कि बेपरवाह सतगुर ने कोई ध्यान ना दिता अते ओह तकरीबन 2 घड़ियां खड़ा रहा। गुजरी दोए घड़ी सतगुर नहीं देखा किया बादशाह मन कोप बिखेसा। हिमायू नूं इतना गुस्सा आया कि तलवार म्याण विचों कढ के गुरु जी ते हल्ला करन लई अगे वधिया। गुरु अंगद देव जी ने नज़र भर उधर देखिया ही सी कि हथ तलवार दी मुठ ते ही रहा अते उत्थों ही बुत वांग खड़ा हो गया। ऐसी अवस्था देख दुनिया दे मालक गुरु अंगद देव जी ने कहा शेर शाह सो कुछ ना कीना एही तलवार मुठ गहलीना अते सूर्य प्रकाश दे शब्दां विच एह बचन भी आखे कायर भए भाज कर आवां हम है सुरता चहे दिखावां। महिमा प्रकाश वार्तक दे शब्दां विच कहा सी भाई मुगला तलवार शेर शाह पर कढ़नी सी कि असां उपर। यह सुनते ही हिमायू बहुत ही शर्मिंदा होया मुआफ़ी मंगी कि आया तो असीसा लैन सी अनजाण पुणे विच इतनी भारी अवग्या हो गई। हिमायू ने पूछया महाराज यह दसो कि राज बनया बनाया इतनी छेती क्यों चला गया। गुरु अंगद देव जी ने फरमाया गुरु नानक देव जी ने बाबर नूं भी कहा सी राज चले जाते हैं जद इंसाफ न किया जाए जद अदालतों के दरवाजे बंद कर दिते जान जब छूटे अदालत होन बेअदल छूटे न्याय राज होए बदल। अते एह ही लगता है कछु बेअदल कीनी महानी या ते पौ तोहे तिरस्कारा हुण हिम्मत रख दिल ढाहण नाल कुछ हथ नहीं आउंदा। हिमायू नामा जो
जो हिमायू की भैन गुलबदन ने लिखा अते जो इस सफर विच नाल ही सी ने एक रोचक कथा लिखी है कि लाहौर विखे जद भरावां ने इमदाद करन तो इनकार कर दिता तो उस परेशानी के आलम विच हिमायू सौं गया। सुते सुते ही सुपना आया, उसने बुजुर्ग देखा, उसके हाथ एक आसा सी अते कह रहा सी मर्द बनो गम ना करो। यह कह के ओहो ही आसा बादशाह नूं दे दिता। इंज लगता है कि गुरु अंगद देव जी की शख्सियत का प्रभाव उसते ऐसा पिया कि ओहो सुपने विच भी उन्हां दे दीदार पाउंदा रहा। अज असी कुदरती नूर जीवनी गुरु अंगद देव जी किताब दे 74 पन्ने पढ़ चुके हाँ। बाकी दी किताब असी अगले भाग विच पढ़ांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।